अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये है आपकी तितली उर्दू जमात दोम। आज हम इसकी मश्क सबका दोस्त उसका सफ़ा नंबर 17 करेंगे। लफ्ज़ को दुरुस्त आवाज़ में पढ़ना और सही हिज्जे में लिखना बहुत ज़रूरी है। लफ्ज़ को दुरुस्त आवाज़ में पढ़ना और सही हिज्जे में लिखना बहुत ज़रूरी है। आज अल्फाज साजी का हम ये काम करेंगे सफ़ा नंबर 17 पर। जमायत है दो, उर्दू उन्वान है हमारा सबका दोस्त, सबका दोस्त, सबका दोस्त। इस उन्वान की हम मश्क कर रहे हैं। आज हम मश्क में जो दुरुस्त जैसे लफ्ज को पढ़ना और उसको दुरुस्त जैसे लिखना जो है वो बताया जाएगा सफा नंबर 17 पे। इसका सवाल है, दिए गए अल्फाज में से सही हिज्जे वाले लफ्ज पर दायरा बनाइए। दिए गए अल्फाज में से सही हिज्जे वाले लफ्ज पर दायरा बनाइए। एक मिसाल दी जा रही है, आपकी बुक पर एक मिसाल दी गई है कि दुरुस्त लफ्ज दो दो लफ्ज दिए हुए हैं और उसका एक हिज्जा गलत है और एक दुरुस्त है। आपने जो दुरुस्त हिज्जा होगा उसका या दुरुस्त लफ्ज होगा उसकी जो है ना वो उस पर दायरा बनाना है। जिस तरह आपकी बुक के सफा नंबर 17 पर अलिफ वाओ रे ते औरत, आ ओ र ते, आ ओ र ते औरत। हम इसको पढ़ेंगे तो लफ्ज वही होगा लेकिन इसकी आवाज मुख्तलिफ है और इसकी शक्ल मुख्तलिफ है और ये गलत हिज्जा उन्होंने दिया हुआ है। हमने दुरुस्त हिज्जा पढ़ना है और दुरुस्त पे दायरा लगाना है। ठीक है, अ ओ र ते, अ ओ र ते औरत, अ ओ र ते औरत। ठीक है, अगर दूसरा लफ्ज है तो ल वा र र तलवार, इसका हल लिखेंगे त ल वा आ र तलवार। दोनों में से कौन सा तलवार दुरुस्त है, तो ये वाला तलवार या त वाला तलवार, हालांकि आवाज दोनों की एक जैसी है, तो कौन सा तलवार दुरुस्त है, त वाला तलवार। शाबाश, त वाला तलवार। आगे है जेब्रा, जेब्रा जो है ना वो जाल से लिखा हुआ है और ये जेब्रा जे से लिखा हुआ है, आवाज ज की दोनों की सेम है लेकिन हमें दुरुस्त हिज्जा इसमें से देखना है कि कौन सा है, तो वो जाल वाला जेब्रा है या जे वाला जेब्रा है। ठीक है, शाबाश, जे वाला जेब्रा वो दुरुस्त है, आपने जे वाले जेब्रे पे दायरा बनाना है। ठीक है, आगे है ताला, आखिर पे ह आ रही है, ताला आखिर पे ह आ रही है और ये है ताला। ला ल अलिफ ला, ल अलिफ ला, ल आ ला, ताला। तो जो आखिर में खे आ रही है वो ताला दुरुस्त है या ताला दुरुस्त है। शाबाश, ताला लफ्ज नहीं है बल्कि ताला लफ्ज है, ताला लफ्ज को हमने दायरा लगाना है, लफ्ज ताला पर हम दायरा लगाएंगे। आगे आगे है हा आ थ ई हाथी, हा आ थ ई हाथी, पर ये भी है हा आ थ ई हाथी लेकिन दोनों के ह का फर्क है, दोनों के ह का फर्क है, तो दुरुस्त जो ह है वो ये है हाथी, हाथी। दुरुस्त लफ्ज पर, दुरुस्त सिज़े पर, दुरुस्त लफ्ज पर हम दायरा लगाएंगे। आगे है कलम, कलम ये जो क है ये अलग से अदा होगा और ये जुबान से क, क कलम, और ये क्योंकि दुरुस्त नहीं है बल्कि दुरुस्त हिज्जा है दो नुक्तों वाला क, कलम, कलम दुरुस्त है, इस पे हम दायरा लगाएंगे। आगे है लफ्ज तितली,
आपने ये लफ्ज त से लिखा है या तोय से लिखा है? शाबाश, वेरी गुड। तो तोय से लफ्ज जो है ना वो गलत होगा, सही और दुरुस्त लफ्ज है त से, त तितली, दोनों त आएंगे तो ये नहीं आएगा। इसी तरह अगला लफ्ज है हुक्का और हुक्का, हुक्का और हुक्का। अब इधर भी हा है, इधर भी हा है, जिस तरह हाथी का और ह दोनों सेम थे, इसी तरह हुक्का का ह और वो दोनों ह की आवाज निकाल रहे हैं, लेकिन दुरुस्त हिज्जा जो है वो ह हुक्का, हुक्का ये वाला है। ठीक है, आपने जो दुरुस्त लफ्ज हैं उन पर दायरा लगाना है, सफा नंबर 17 पर।